लक्ष्मी नृसिंहा लक्ष्मी नृसिंहा लक्ष्मी नृसिंह मम देही करावलंबम लक्ष्मी नृसिंह मम देही करावलंबम श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगींद्र भोगमणि रंजिता जी जी अवश्य। तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने आज से 1200 वर्ष पहले ही इस माहौल को, इस परिस्थिति को समझ लिया था, इसलिए तो उन्होंने हमारे धर्म को एक करने के लिए क्या किया, चार धाम, चार कुंभ, चार मठों की और 12 ज्योतिर्लिंगों की उन्होंने स्थापना की, हमारे हिंदू धर्म को उन्होंने एक किया, व्यवस्थित किया। तो उन्हीं आचार्य शंकराचार्य जी के जीवन से हम सभी प्रेरणा लेकर के अपने आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और आत्म अनुसंधान करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावे। मूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाति पोता लक्ष्मी नृसिंहा लक्ष्मी नृसिंहा लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। संसार सागर विशाल कराल काला नक्र ग्रह ग्रसन निग्रह विग्रहस्य मग्नस्य रागलस दूर्मिनि पीडितस्य लक्ष्मी नृसिंहा लक्ष्मी नृसिंहा लक्ष्मी नृसिंहा मम देहि करावलंबम्। आगे एकात्म यात्रा बहुत अच्छे संदेश को लेके अपने गुना जिले में प्रवेश किए हैं और आज बमोरी में हम सब इस एकात्म यात्रा के माध्यम से उन बड़े संतों के आशीर्वाद और जो हमको आशीर्वाद भी देंगे और हमें आगे का मार्गदर्शन भी देंगे। आदि शंकराचार्य की पादुका जी हमारे बीच से अभी निकली है, भ्रमण में गए हैं, सभी लोगों ने दर्शन किए हैं, वो शंकराचार्य जी की पादुका जी भी हमारे बीच में विराजमान है। हम सब उन सब से लेके एक आशीर्वाद के रूप में सवाल शांति से अब सुनेंगे और हम अपने आप को धन्य करेंगे। जय हिंद जय भारत। यात्रा का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए ये मध्य प्रदेश लगा हुआ है, केवल आज के लिए नहीं, ये तो भविष्य के लिए। जैसे हम लोग हजारों साल के बाद भी आदि शंकराचार्य को हम लोग स्मरण करते हैं, इसी प्रकार कितने सालों तक, अनंत काल तक उस मूर्ति को देख करके लोग स्मरण करते रहेंगे। इसके कोई ना कोई इसके निर्माता है, इसका कोई ना कोई किसी के पीछे उद्देश्य था, इसने शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया है। तो हम लोग आने वाली पीढ़ी इसको याद स्मरण करती रहेगी। तो आज आप लोगों को बहुत समय हो गया है, इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो शंकराचार्य जी महाराज की।